हेलो फ्रेंड्स, मैं आरबी यादव, स्वागत करते हैं आप सभी का एलजीआर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग मैथ का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जो आपके आने वाले आईटीआई और पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम लोग 31वें क्लास में हैं, यानी कि दोस्तों 30 क्लास ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं और आज जो है हम लोग 31वां क्लास करने वाले हैं। एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ है जो आप लोगों को लग रहा था कि सर छोड़ देंगे, क्या करेंगे, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है। आज आप हम लोग लास्ट चैप्टर करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर क्या है आपका, क्या है? व्यावसायिक गणित, यानी कि अर्थमेटिक। व्यावसायिक गणित आपका लास्ट चैप्टर बचा हुआ था, तो आज हम क्या करेंगे, आपके मैथ का जो है, आपके जो क्रैश कोर्स का जो मैथ है, 100% सिलेबस आज आपका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, है ना। अगर एक क्लास में हो पाया तो ठीक, नहीं तो आप अगला क्लास भी क्या करेंगे, बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत ही नज़दीक आ गया है, है ना। तो चलिए, हम लोग अर्थमेटिक से संबंधित जितने भी आपके एग्जाम में जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सभी टाइप के क्वेश्चनों को देखने का काम करेंगे। और दोस्तों, कहना चाहेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए, हम लोग चलते हैं अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ, है ना। देखते हैं कि आज का जो अर्थमेटिक का सबसे पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है। कहता है, श्रोताओं में से 1/6 भाग पुरुष, 1/3 भाग महिला और शेष बच्चे हैं। श्रोता है, मान लीजिए कहीं पर आपका कोई फंक्शन है, भी कुछ भी हो रहा है, वहाँ पर श्रोता मतलब सुनने वाले जो ऑडियंस होते हैं, वो ऑडियंस है। उसमें से क्या है, जितना भी श्रोता है उसमें से 1/6 भाग क्या है दोस्तों, आपका पुरुष है, और 1/3 भाग क्या है, महिला है, और जो बाकी बचे वो क्या है, बच्चे हैं। तो बच्चों की कुल संख्या कितना प्रतिशत है, तो बच्चों का कुल संख्या कितना प्रतिशत है, वही दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है। तो चलिए, हम लोग देखते हैं कि कैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, बहुत ही इसको ट्रिकी वे में हम लोग क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन को पढ़ने का काम करेंगे। मान लेते हैं कि पूरा जो ऑडियंस था, पूरा जो श्रोता थे वहाँ पर, वो मान लेते हैं उनका संख्या पूरा क्या था, एक था, क्या था, एक, एक मान लीजिए आपका पूरा ऑडियंस थे। अब अगर बच्चा का अगर संख्या बोला जाए, है ना, बच्चा का अगर संख्या निकाला जाए तो क्या होगा, आपका पूरा ऑडियंस एक है, पूरा ऑडियंस कितना दोस्तों, एक है, और आपका जो है महिला पुरुष कितने हैं, सबसे पहले महिला आपके जो पुरुष कितने हैं, 1/6 भाग पुरुष है और 1/3 भाग कौन है, महिला है। हम क्या करेंगे, पूरे में से पुरुष और महिला को घटा देंगे तो आपका कौन बच जाएंगे, बच्चा, तीन ही है, पुरुष है, महिला और बच्चे हैं। तो पुरुष और महिला को हमने क्या कर दिया, पूरे ऑडियंस में से घटा दिया, तो आपका क्या बच जाएगा, बच्चा बचेंगे। तो आपको, आप इधर इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको 1/1 कर लीजिए, माइनस आप 6 और 3 का जो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, 6 का 6 और 1 का क्या होगा, 1, प्लस 3 × 6 और 1 × 2 कितना होगा दोस्तों, आपका 2 हो जाएगा। तो क्या बचेगा इधर आपका, 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 और इधर क्या है, 1/1 यानी कि 1 है और उसमें से घटाना है 1/2, 1/2 आपको क्या करना है, घटाना, 1/1 में से 1/2 आप घटाएंगे, आपको बचेगा 1/2, क्या बचेगा दोस्तों, 1/2, यानी कि जितने ऑडियंस थे उसमें से 1/2 भाग आपके क्या है, बच्चा है। लेकिन मुझे यहाँ पर आपका जो है अनुपात में नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर आंसर देना है परसेंटेज में, तो हम बट्टा को क्या कर सकते हैं, परसेंटेज में बदल सकते हैं, 1/2 भाग है, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 100 से गुना करेंगे, तो 2 से आप क्या करेंगे, भाग देंगे, तो आपका जो है 50% यहाँ पर क्या होगा, 100, यानी कि आपका 50% यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, आपका सही आंसर आ जाएगा, यानी कि डी जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1/2 का अर्थ ही होता है दोस्तों 50%। चलिए, हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि यदि गेहूं का मूल्य 25% बढ़ गया है तो एक पारिवारिक व्यक्ति अपनी गेहूं का उपयोग कितना प्रतिशत कम करे कि उसका खर्च न बढ़ पाए। यानी कि दोस्तों क्या है, जो हम लोग गेहूं यूज करते हैं उसका कीमत क्या हो गया, 25% बढ़ा दिया गया है। गेहूं का कीमत क्या कर दिया गया आपका, यहाँ पर 25% क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। तो मूल्य क्या हो गया, बढ़ गया, तो मूल्य बढ़ गया, तो अब कहा जा रहा है कि एक पारिवारिक व्यक्ति क्या करेगा, है ना, गेहूं का उपयोग कितना कम कर देगा ताकि उनका खर्च न बढ़े। खर्च अगर आप बढ़ाना नहीं चाहते हैं तो खपत क्या करना होगा, कम करना होगा। तो
कितना खपत जो है, कितना प्रतिशत खपत आप कम करेंगे ताकि आपके गेहूं, आपके जो है खर्च में कोई बढ़ोतरी नहीं हो। तो ये आप सिंपल एक ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं। आपको हम बता दें, मान लेते हैं कि पूरा जो गेहूं है आपका क्या है, 100% है। कितना परसेंट? 100% गेहूं था पहले। कितना परसेंट था गेहूं दोस्तों? 100% गेहूं था। और उसका जो मूल्य जो है दोस्तों आपका क्या था, 100 था। मूल्य कितना था? 100। 100% मूल्य भी था। अब क्या किया गया, मूल्य में क्या किया गया, 25% का वृद्धि किया गया। आप देख रहे हैं कि मूल्य में क्या किया गया है, 25% का वृद्धि। तो इसमें 25 क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। 25% का वृद्धि किया यानी कि मूल्य क्या होगा, 25% से बढ़ जाएगा। और ऊपर में क्या करेंगे दोस्तों, आप 25 से गुना कर देंगे। ऊपर में 25 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर ऊपर में मिलेगा आपको 2500, क्या मिलेगा 2500, और नीचे में होगा आपका 125। नीचे में क्या होगा, 125। तो 125 दूना क्या होगा, 250 आपका ये कटेगा 20, यानी कि आपको आया कितना प्रतिशत, 20%। परसेंटेज में आपका आंसर आया 20%। अगर व्यक्ति वो व्यक्ति क्या करेगा, खपत में 20% का कमी कर देगा तो उसके खर्च में कोई प्रॉब्लम जो है नहीं आएगा। उसका खर्च ना तो बढ़ेगा ना ही क्या होगा, घटेगा। तो मुझे लेकिन आंसर प्रतिशत में नहीं लिखना, मुझे आंसर बट्टा में देना है। तो 20% को अगर आप बट्टा में बदलना चाहते हैं तो क्या करना होगा दोस्तों, प्रतिशत को बट्टा में बदलने के लिए 100 से क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है। तो 20 का 20 और 20 पंचे क्या होगा, 100 होगा। तो 1/5 यहाँ पर क्या होगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से छोटे छोटे ट्रिक से हम अर्थमेटिक को देखने वाले हैं। बहुत ही अच्छा है ना, आपका यहाँ से क्वेश्चन भी अधिक आता है। तो ध्यान से देखते रहिए और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए, है ना, क्योंकि बहुत ही अच्छा अच्छा लास्ट कंसेप्ट है हम लोगों के लिए, बहुत ही अच्छा सब देखने वाले हैं, है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा तो, है ना, क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पर, अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 65% राशन पर, 65% किस पर दोस्तों, राशन पर, और आपका 10% जो है कपड़ों पर, 10% किस पर, कपड़ों पर, 10% कपड़ों पर, तथा पाँच परसेंट अन्य कार्य पर खर्च करता है। यदि वह, अब बोला जा रहा है कि यदि वह 20 रुपया बचा लेता है, यदि वह 20 रुपया नहीं दोस्तों, आपका क्या है, यदि वह 80 रुपया बचा लेता है, 80 रुपया बचा लेता है, क्या करता है वो, 80 रुपया बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है, ये आपको क्या करना है दोस्तों, बताना। आप दिमाग लगाइए, हम आपका ऑप्शन लिख देते हैं। ए ऑप्शन आपका है 420 रुपया, बी ऑप्शन जो है आपका वो है 300 रुपया, सी जो ऑप्शन है वो है आपका 400 रुपया। कितना सी ऑप्शन दोस्तों आपका, 400 रुपया, और डी जो ऑप्शन है वो है 320 रुपया। अब दिमाग लगाते हैं कि आपका जो है कितना, उसका जो है मासिक आमदनी जो है बनेगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए। क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 65% राशन पे खर्च करता है। जितना वो क्या करता है, एक महीने मासिक आय मतलब एक महीने में जितना वो कमाते हैं वो टोटल आमदनी का 65% जो है राशन पर खर्च कर देते हैं।
10% आपका कपड़ा पर खर्च करते हैं और 5% अन्य कार्य पर खर्च करते हैं। उसके बाद अब इतना खर्च हो गया, खर्च के बाद कहा जा रहा है कि यदि वह 80 रुपया बचा लेते हैं, कितना रुपया बचा लेते हैं दोस्तों, 80 रुपया वो क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं, तो उनकी मासिक आय कितनी है। उनका केवल बचत दिया गया है और परसेंटेज में खर्च दिया गया है और आपको उनका जो है मासिक आय क्या करना निकालना। चलिए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं आप किसी व्यक्ति का आमदनी 100% होगा, मान लेते हैं कि उनका जो आमदनी है क्या है 100% है, कितना 100%, एक महीने का जो भी आमदनी हो उसको मान देखो कितना था 100% था। अब करते क्या है वो, हम बचत परसेंट प्रतिशत निकालना चाहते हैं, किसका प्रतिशत दोस्तों, हम बचत का प्रतिशत निकालना चाहते हैं, किसका बचत का प्रतिशत। तो आपका आमदनी है 100, टोटल 100 आमदनी है, अब खर्च क्या क्या हो रहा है, 100% आपका आमदनी है और खर्च कितना कितना कर रहे हैं, 65% खर्च कर दिए प्लस आपका 10% खर्च कर दिए और प्लस आपका 5% वो क्या कर दिए, खर्च कर दिए। तो सभी खर्च को टोटल आमदनी से क्या करेंगे हम, घटाएंगे, तो आपको क्या मिला यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि 100 और माइनस 65 और 10 आपका होगा 75 और 5 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, यानी कि 20%। ये 20% क्या आया, आपको बचत आया प्रतिशत में, बचत का प्रतिशत, कितना प्रतिशत वो बचा रहे हैं, 20% क्या कर रहे हैं दोस्तों, बचा रहे हैं। जब वो 20% बचा रहे हैं तो उनको रुपया में कितना रुपया बच रहा है, 80। आप गौर से क्वेश्चन में देख सकते हैं कि वो कितना रुपया बचा पा रहे हैं, 80, और यानी कि उनका बचत हो रहा है 80 रुपया पर माह बचत हो रहा है और अब प्रतिशत में कितना बचत हो रहा है, 20%। तो अगर 20 ये भी बचत है परसेंटेज में और ये बचत आपका रुपया में है तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा, दोनों ही तो बचत ही, ये भी बचत है और ये भी क्या है बचत है, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। हम यहाँ देख रहे हैं 20% बराबर 80, इसीलिए 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर होगा 80/20 और इसीलिए मुझे निकालना है 100% बराबर। तो क्या होगा 80/20 गुने क्या होगा दोस्तों आपका 100 होगा। 100% बराबर सर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आमदनी टोटल तो हम माने हैं 100% और आपका निकालना क्या, आपको आमदनी तो ही निकालना है, मासिक आय ही निकालना है। टोटल मासिक आय हमने 100 मान लिया था पहले और 100% का वैल्यू क्या होगा आपका, 20 पंचे क्या होगा 100 हो जाएगा और 8 पंचे क्या होगा दोस्तों आपका 40, यानी कि और एक जीरो दे दीजिए 400। तो 400 रुपया उनका क्या है, मासिक आमदनी है, पर महीने वो 400 रुपया खर्च, 400 रुपया आमदनी करते हैं और क्या करते हैं 80 रुपया बचाते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब देखने वाले हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन आपका जो है, कौन सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है हम लोग लेने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप लोग बने रहिए और सीखते रहिए, ठीक है। हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, क्वेश्चन बोला जा रहा है एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं, एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं, 1000 विद्यार्थी हैं, कितना विद्यार्थी दोस्तों, 1000 विद्यार्थी है। बोला जा रहा है कि यदि इनमें 15% मुसलमान, 15% मुसलमान, 15% क्या है दोस्तों मुसलमान है, 10% ईसाई हैं, 10% क्या हैं ईसाई हैं, 10% ईसाई हैं, तथा शेष हिंदू हैं, तथा शेष क्या हैं हिंदू हैं, शेष हिंदू हैं। तो हिंदू विद्यार्थियों की, तो हिंदू विद्यार्थियों की संख्या कितनी है,
संख्या कितनी है, ये आपको क्या करना है बताना है। दिमाग लगे तो तक आपका हम कुछ ऑप्शन लिख देते हैं। ए ऑप्शन आपका है 750, बी ऑप्शन है आपका 400, और सी जो ऑप्शन है वो है 250, और डी जो दोस्तों आपका ऑप्शन है वो है आपका 60, यानी कि 600। डी ऑप्शन आपका क्या है दोस्तों, 600 है। अब हम चलते हैं कि आपका जो है क्वेश्चन पहले समझते हैं, क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि एक विद्यालय में टोटल 1000 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी? 1000, उसमें से 15% मुसलमान हैं, उसके बाद 10% क्या है ईसाई हैं, तथा शेष मतलब अब जो बच गए मुसलमान और ईसाई को छांट करके जो बच गए वो क्या बचे, हिंदू हैं। मुसलमान और ईसाई को छोड़ करके शेष क्या है, हिंदू है। तो हिंदू विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ये आपको क्या करना है दोस्तों, बताना है। यहाँ पर हम मान लेते हैं, मानते हैं कि स्कूल के अंदर जो टोटल विद्यार्थी था उसको मान लेते 100%, टोटल स्टूडेंट कितने थे 100% थे। अगर यहाँ पर अगर दोस्तों हिंदू विद्यार्थी का प्रतिशत अगर निकाला जाए तो कितना प्रतिशत हिंदू होंगे, आपका टोटल स्टूडेंट है 100%, मुसलमान कितने हैं 15%, और प्लस ईसाई कितने हैं 10% है। तो मुसलमान और ईसाई को क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा टोटल में से, तो जो बचेंगे आपका हिंदू बचेंगे, तो क्या होगा 100 - 15 कितना होगा दोस्तों आपका 25, 15 - 10 क्या होगा 25 होगा, तो अगर घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों 75%। जो हिंदू विद्यार्थी का जो प्रतिशत है वो क्या है स्कूल के अंदर 75% है। लेकिन मुझे आंसर प्रतिशत में नहीं देना है, मुझे आंसर देना है आपको संख्या में, कितना संख्या। आप क्या करना है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 1000, 1000 का 75% आपको निकालना है, 1000 का 75%, 1000 का कितना प्रतिशत दोस्तों 75%, क्योंकि 1000 टोटल है और उसमें से 75% हिंदू है, तो 1000 का 75% क्या होगा वो आपका जो निकालिए तो क्या होगा 1000 × 75 क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 100 हो जाएगा। दो जीरो से यहाँ पर दो जीरो आपका कट जाएगा, 75 को 10 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 750 आंसर, और 750 यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही क्या है सही है ना। चलिए आप जो है चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बने रहिए है, इसी तरह अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम लोग सीखते चलेंगे है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और साथ ही दोस्तों बता दें कि आज ही जो है आपका 10th का बैच स्टार्ट हुआ है ना, शाम 7 बजे आपका 10th का फर्स्ट क्लास मिलने वाला है। तो आप लोग क्या कीजिए, जो अधिक से अधिक बच्चों को बोलिए कि आपका 10th का जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, यानी कि अब जो है वो लोग जुड़ जाएँ और पढ़ाई अपना स्टार्ट कर ले, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 5 नंबर जो आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 500 रुपये का, किसका 500 रुपये का, 500 रुपये का 2%, कितना प्रतिशत 2% वार्षिक, 2% वार्षिक दर से, वार्षिक दर से 2% वार्षिक दर से 3 वर्ष का सरल ब्याज होगा, सरल ब्याज होगा क्या होगा वो आपको करना बताना। दिमाग लगाइए, ऑप्शन आपका लिख देते हैं, ए ऑप्शन आपका 40 रुपया है, बी जो है दोस्तों वो ऑप्शन आपका 30 रुपया है, सी ऑप्शन आपका क्या है 16 रुपया, और डी जो ऑप्शन है वो है आपका 15 रुपया। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा देखने को मिलता है, इसलिए आपको जो है क्वेश्चन ऐसा लिए है। यहाँ पर जो दोस्तों क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 500 रुपये का 2% वार्षिक दर से 3 वर्ष का सरल ब्याज होगा। आप पढ़ते साधारण ब्याज, लेकिन आपके एग्जाम में क्या एक बार पूछा होता सरल ब्याज, तो सरल ब्याज आप घबराने की कोई जरूरत नहीं, साधारण ब्याज को ही हम लोग सरल ब्याज के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं। तो आपको सीधा समझ लेना कि साधारण ब्याज आपको क्या करना है निकालना है। तो साधारण ब्याज का सभी लोग फार्मूला जानते होंगे, साधारण ब्याज जो होता है जो SI होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, उसका फार्मूला होता है ना मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100, क्या होता है
दर बट टैक्स। आपको साधारण ब्याज निकालना है तो सी आई यानी कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टे 100 बहुत ही सिंपल है। तो मूलधन कितना है 500 रुपया, मूलधन कितना आपका 500 गुणे समय क्या है 3 वर्ष, 3 और दर क्या है 2, और बट्टे में क्या लगाना आपको 100 लगाना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 या 15 कितना होगा 15 और 15 दोनों कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 30 रुपया क्या होगा साधारण ब्याज निकल जाएगा, 30 रुपया आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या है बिल्कुल ही सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, है ना, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला जो दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, बोला जा रहा है कि 100 रुपये का, 100 रुपये का 2 वर्ष का, 2 वर्ष का 100 रुपये का 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज, 10% वार्षिक ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। आपको चक्रवृद्धि ब्याज क्या करना है दोस्तों बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज होगा यानी कि कितना होगा वो बताना। आपका ऑप्शन लिख देते हैं, ए ऑप्शन जो है आपका 30 रुपया है, बी ऑप्शन आपका 21 रुपया है, सी जो ऑप्शन है वो 20 रुपया है, और डी जो दोस्तों आपका ऑप्शन है, डी ऑप्शन जो है दोस्तों वो है आपका 10 रुपया। डी ऑप्शन क्या है 10 रुपया है। आप इसको एक तो मेथड है आप फार्मूला से बना लीजिए, फार्मूला से भी आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड जो है आप जो हम जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। क्या है आपका टोटल जो है मूलधन क्या है 100 रुपया है, मूलधन क्या है दोस्तों 100 रुपया, समय कितना है 2 वर्ष, समय कितना आपका 2 वर्ष है, और पर दर जो दिया गया है वो दिया है, दर आपका दिया हुआ है 10%। तो आपको समझना है कि पहला साल में जो हम काउंट करेंगे वो तो सिंपल इंटरेस्ट ही काउंट करेंगे, साधारण ब्याज ही काउंट करेंगे, पहला साल में साधारण ब्याज काउंट करेंगे तो पहला साल में इसका 10% करेंगे, तो इसका क्या करेंगे दोस्तों 10%, 100 का 10% कितना होगा आपका 10 होगा। पहला साल में तो आपका कितना परसेंट ब्याज 10 ही ब्याज लगेगा, क्योंकि पहला साल में आप एक साल में जो है चक्रवृद्धि ब्याज काउंट नहीं होता है, अगले साल हम क्या करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये हो गया फर्स्ट ईयर का, अगर हम सेकेंड ईयर का निकालते हैं दूसरे साल का निकालेंगे तो 100 पर तो ब्याज लेंगे ही लेंगे, 100 का तो 10% आपका बनेगा ही बनेगा, 100 का 10% कितना बनेगा 10, 100 का 10% 10 बनेगा, और प्लस आपका जो है इस पर भी 10% लेंगे, किस पर ब्याज पर, क्योंकि दूसरा साल चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि मूलधन पर तो ब्याज लेते ही लेते हैं, उसके साथ ही साथ हम लोग किस पर ब्याज लेते हैं, आपका जो ब्याज आया पिछला जो ब्याज है उस ब्याज पर भी ब्याज लेते हैं। तो दूसरा साल में क्या होगा मूलधन पर ब्याज हो जाएगा 10 और जो ब्याज था उस पर ब्याज लेंगे, तो आपका जो है 10 का 10%, 10 का कितना प्रतिशत दोस्तों 10% कितना होगा, 10 का जो है 10% कितना हो जाएगा 1 जीरो से कट गया 1 होगा, कितना होगा 1। तो दूसरे साल में मूलधन पर ब्याज आया 10 और ब्याज पर ब्याज आया कितना दोस्तों 1 आया, तो यहाँ पर ब्याज था आपका क्या, पहला साल का ब्याज 10 रुपया था और दूसरे साल का ब्याज क्या होगा दोस्तों 10 और 1 11 रुपया हो गया, यानी कि आपका जो टोटल ब्याज हो जाएगा कितना हो जाएगा 21 रुपया हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा दोस्तों ब्याज होगा, यानी कि बी हो जाएगा, आप समझ गए होंगे। आप दूसरा तरीका है कि आप फार्मूला से बना सकते हैं, है ना, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला उससे भी आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, ये ट्रिक समझ में आया हो, है ना, तो इसे बनाइएगा तो आपको फार्मूला बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर लिखिए, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।